एका रात्रीत शेतकऱ्याचं किती नुकसान होतं, त्याला स्वतःला मरण पत्करावं लागतं इतकं नुकसान होतं आणि तो मरतो पण ते दिसत नाही। त्याचं ते मरण तुमच्या एका निर्णयामुळे झालं, तुमच्या एका पणाच्या चुकीमुळे झालं आणि ते मरण दिसलं पाहिजे, ज्यांच्यामुळे झालं त्यांच्या दारात ते गेलं पाहिजे, यासाठीचा हा प्रतिकात्मक प्रामाणिक प्रयत्न आहे। सुना है दिल्ली को मराठी समझ में नहीं आती है। मोदी जी आपको हमारी गुजारिश है, आप मत आइए महाराष्ट्र में, मत आइए महाराष्ट्र के किसान को। आप मारने पे उतरे हैं, उसको मरने पे छोड़ दिया है, फिर आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब हमें घिन आ रही है इस सरकार से। क्या हम सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर है तो क्यों हमें सस्ते में जीना पड़ रहा है? सब चीजें महंगी है, सब चीजें महंगी है संसार में। रोज दर रोज लगने वाली जो चीजें हैं वो सब महंगी है। क्यों हमारे जो किसान भाइयों के उपज है उसको क्यों सस्ते में लेना चाहते? हमें ना शिक्षा सस्ते में मिलती है, ना कोई आरोग्य सस्ते में मिलता है, कुछ भी सस्ते में नहीं मिलता है। फिर हमारी प्याज आपको क्यों सस्ते में लगती है? 30 रुपया बहुत बड़ा रेट है। अगर 30 रुपया बहुत बड़ा रेट है तो सुनिए, 30 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। फिर हम 10 रुपए में प्याज क्यों बेचें? आपके इस नाफेड़ के डिसीजन की वजह से नाफेड़ में 38 रुपए में प्याज खरीदना शुरू किया, 8 दिन में नाफेड़ आज 15 रुपए में प्याज खरीद रहे। 15 में क्या मिलता है देश में, बोलिए क्या मिलता है? क्या प्याज इसेंशियल है, जीवन आवश्यक है? नहीं है। फिर भी उसको आप 15 रुपए में बेचने में क्यों हमें यहां पर मजबूर कर रहे हो? ये मजबूरी अच्छी नहीं है, सिर्फ आपकी एक गलती है। इसकी वजह से हम किसान नहीं रहना चाहते। कुछ तो भी अलग हम करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन हमारा जिसमें ट्रेनिंग है वो खाली खेती का है, किसानी का है। हम वहां के अच्छे बलि राजा है, फिर हमें क्यों बलि दिया जा रहा है? फिर सिर्फ आपकी वजह से दिया रहा है। ही जी प्रेत यात्रा होती ना, हे मुद्दाम हिंदीत बोलावं लागलं तोडक्या मोडक्या, कारण दिल्लीला समजतच नाहीये आमच्या वेदना काय आहे। त्या दिल्लीला समजावणाऱ्यांची तोंड बांधले गेली आहेत, त्यांनी मूग गिळून बसलेले आहेत। म्हणून आम्हाला ह्या वेदना सांगतात, ना कुठली बँक थांबत आहे, ना कुठलं फायनान्स थांबत आहे, रोज घरापर्यंत येते आम्हाला चोर ठरवत आहे, रोज घरापर्यंत येते आम्हाला त्या ठिकाणी लाचार करते, समाजातल्या प्रतिष्ठा धुळीत मिळवते, आमच्या दारावर नोटिसा चिटकवून जाते। मग आमचं झालेल्या नुकसानाची नोटीस आम्ही कोणाच्या दारावर चिटकवायची? म्हणून हे प्रांत कार्यालय तुमचं आणि आमचं समन्वयाचं साधन आहे। आम्ही प्रांत कार्यालयावर एक प्रकारची ही नोटीस चिटकवतोय। कृपया विनंती आहे सरकारांना, आमचं झालेलं नुकसान भरून द्या। 2000 कोटी रुपये 17 दिवसात आमचं नुकसान झालेलं आहे। प्रचंड कांदा देशाला पुरवणाऱ्या या जिल्ह्याला एवढं दुर्लक्षित ठेवू नका ना। हा जिल्हा जगभरामध्ये तुमच्यासाठी समाधानकारक उत्पन्न देऊन परकीय चलन सुद्धा देतो। 30 लाख लोक बेरोजगार झाली आहेत फक्त शेतीच्या बाहेरची, जो मुंबईपर्यंत पोर्ट जातो तिथं 30 लाख लोक बेरोजगार झाली। एवढा मोठा प्रचंड व्यवसाय हा तुम्ही धुळीस का मिळवतात? हा प्रश्न या निमित्तानं आहे। एका रात्रीत 800 कोटी आणि 17 दिवसात 1200 कोटी असे 2000 कोटी तुमच्याकडे आमचं घेणं आहे। ते 2000 कोटी ठेवा आणि मग नाशकात पाय ठेवा, ही विनंती।